हे गाइस, सी प्रोग्रामिंग में आज हम प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड इन सी चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगा। मैं तो कोड ब्लॉक्स में कर रहा हूँ, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में हो तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्जोन डॉट एच डिक्लेरेशन होती है इसमें, प्रिंट एफ की, स्कैन एफ की। सेकेंड वाले में कॉन्जोन डॉट एच में गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन की सी एल आर एस सी आर का यूज़ होता है इसमें। तो टर्बो सी प्लस प्लस में इट इज़ नेसेसरी कि ये लिखना ज़रूरी है। तो दूसरा, अब हमारा क्वेश्चन है प्रोग्राम क्या है, कि हमें चेक करना है कि वो नंबर जो यूज़र हमें दे रहा है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड मतलब ऑड इवन तो पता ही होगा, जैसे कि 2 से डिवाइड होता है वो इवन है, जो 2 से नहीं डिवाइड होता वो ऑड है। तो हमें प्रोग्राम वही बनाना है, जैसे कि 2 से डिवाइड हो गया उसका रिमाइंडर आएगा 0, तो मतलब इवन है। नहीं आएगा रिमाइंडर 0, नहीं आएगा उसका मतलब ऑड है। तो चलो बनाते हैं, मेन फंक्शन लिखता हूँ। तो अब लिखते हैं, अब कंफर्म हो गया कि एक मतलब नंबर यूजर से लेना है, तो इसके लिए डिक्लेयर कर देता हूँ ए। ठीक है, तो प्रिंट एफ, आप बाद में भी कर सकते हो सोच के। तो प्रिंट करना है मेरे को स्क्रीन में कि एंटर आ नंबर। ठीक है, हमें चेक करके उसको रिटर्न करना है। तो यूज़र मेरे को प्रिंट एंटर आ नंबर देगा। अब मेरे को उसको लेना है, यूज़र किस देगा, जो यूज़र ने दिया मेरे को गेट करना पड़ेगा ना, मतलब उसको लेना है। तो किस परसेंटेज डी का यूज़ करूँगा, इंट ले रहा हूँ, आप चाहो तो फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं एड्रेस पास कर दूंगा ए का। ठीक है, सेमी कॉलन तो लगाना भूलना मत, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे होती है। इन दोनों के लाइन का ये मतलब है कि स्क्रीन में आ गया एंटर आ नंबर, उसके स्कैन एफ चलेगा, इसका मतलब है कि जो यूज़र एंटर करेगा उसको गेट करेगा, मतलब ले लेगा। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो मैंने बताया कि इवन वो है नंबर है जब वो जो 2 से डिवाइड होता है, ऑड वो है जो नहीं होता है। तो इफ एंड एल्स का यूज़ करता हूँ मैं, अब चाहो तो किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो इफ का यूज़ करके मैं लिखता हूँ कि इफ ए, मॉड्यूल का यूज़ करता हूँ जिससे कि 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इक्वल टू उसका रिमाइंडर आता है ना, इसमें क्या होता है मॉड्यूल में रिमाइंडर आता है, तो इसका रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब है कि इवन नंबर है। तो मैं प्रिंट एफ का यूज करूंगा, प्रिंट एफ करूंगा, नंबर इज, प्रिंट कर दूंगा स्क्रीन में नंबर इज इवन। ठीक है, अब सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब एल्स स्टेटमेंट, अगर नहीं, अगर जो यूजर ने मेरे को वैल्यू दिया है वो ऑड नंबर है तो मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा उसके लिए भी। प्रिंट एफ मतलब इफ स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पे लिख दूंगा नंबर इज ऑड। ठीक है, ये सिंपल है बहुत। उसके गेट सी एच का यूज़ करूँगा जिससे स्क्रीन होल्ड में रहे। तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या है, इंट ए का जो हमने पहले डिक्लेयर करना पड़ता है सबको, तो ये डिक्लेयर कर दिया था इंट, प्रिंट एफ एंड स्क्रीन में प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। तो उसके बाद एंटर अ नंबर, उसके बाद हमने स्कैन एफ से वैल्यू ले लिया जो यूज़र ने मेरे को दे दिया। तो अब मैं चेक करूँगा कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसलिए मैंने ए मॉड्यूल 2 का क्या है, अगर रिमाइंडर उसका 0 आता है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। अगर नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट चलेगा, तो प्रिंट एफ चलेगा, नंबर इज ऑड प्रिंट होगा। तो इसको रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन में देखा क्या दिखाई दे रहा है, एंटर आ नंबर। तो मैं कुछ भी नंबर दे देता हूँ, 45 दे देता हूँ, ये पता है ऑड है, तो नंबर इज ऑड डायरेक्ट आ गया। तो वापस एक बार रन करता हूँ, आपकी बार कुछ और देता हूँ, जैसे कि 110 करता हूँ। ठीक है, तो नंबर इज इवन, तो ये नंबर इवन है। ऐसे ही चेक करते हैं कि इसमें, आप चाहो तो किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने तो ऐसे इफ एंड एल्स का बताया, आप ट्राई कर सकते हो कुछ और का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।